बहुत समय पहले किशनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। इस गांव में रमेश, सुरेश, नरेश और मोहन नाम के चार लकड़हारे रहा करते थे, जो रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। एक दिन की बात है, चारों लकड़हारे सुबह से लकड़ियां काटते काटते थक गए थे और वो घर जाने से पहले सुस्ताने के लिए थोड़ी देर बैठ गए। बैठे बैठे वो इधर उधर की बातें करने लगे और होते होते बात बच्चों तक जा पहुंची। रमेश ने कहा, मेरा बेटा तो लाखों में एक है, कभी उसका गाना सुन के देखना। इतना मधुर गाता है कि बड़े बड़े गायक भी क्या गाते होंगे। तभी सुरेश बोल पड़ा, अरे मेरा बेटा भी क्या किसी से कम है, हीरा है हीरा, छोटा सा है पर 100 हाथियों के बराबर ताकत है उसमें। नरेश भला कैसे चुप रहता, उसने कहा, ए भाई बेटा तो हमारा भी नायाब है, एक बार जो पढ़ लेता है फिर भूलता नहीं कभी। संस्कृत का कठिन से कठिन श्लोक भी चुटकियों में याद कर लेता है। मोहन उन सभी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। ये देख रमेश ने कहा, अरे मोहन तुम भी तो कुछ बताओ अपने बेटे के बारे में। मोहन ने कहा, क्या कहूँ भाई, मेरा बेटा है तो भला, लेकिन ना तो बहुत अच्छा गाता है ना बहुत ताकतवर है, और उसकी याददाश्त भी बहुत तेज तो नहीं है। ये सुन मन ही मन बाकी लकड़हारे बहुत खुश हुए और सुरेश ने कहा, अरे चलो कोई बात नहीं, अब जो है सो है। शाम होने को थी और वो सभी अपनी अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर घर की तरफ चल पड़े। चलते चलते सामने से एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया तो रमेश ने कहा, अरे देखो यही है मेरा लाखों में एक बेटा। सब उस लड़के की तरफ देखने लगे। वो लड़का बहुत अच्छा गा रहा था और गाते गाते बिना अपने पिता की तरफ ध्यान दिए वो वहां से चला गया। सभी लकड़हारे फिर से चलने लगे। तब सुरेश ने कहा, लो देखो मेरा हीरा बेटा भी इसी रास्ते से जा रहा है। सबने देखा सुरेश का बेटा वाकई बहुत बलवान था, लेकिन उसने भी अपने पिता की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे चला गया। वो सभी फिर से चल पड़े। वो थोड़ी दूर ही चले थे कि नरेश बोल पड़ा, आए लगता है आज सब बच्चा इसी रास्ते से जा रहा है, ये देखो ये है हमारा नायाब बेटा। सभी ने सुरेश के बेटे को देखा, वो अपनी धुन में संस्कृत के श्लोक गा रहा था और फिर वो भी बिना अपने पिता की तरफ ध्यान दिए अपने रास्ते चला गया। वो सब वहाँ खड़े ही थे कि तभी उन्होंने एक और लड़के को अपनी तरफ आते हुए देखा। उसे देख मोहन ने कहा, अरे देखो यही है मेरा बेटा। वो कुछ और कहता इसके पहले ही वो लड़का मोहन के पास पहुंचकर बोला, पिताजी आपने कितनी देर कर दी आने में, हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे थे, लाइए ये लकड़ियां मैं लेके चलता हूँ। मोहन ने बहुत मना किया पर वो नहीं माना और लकड़ियां अपने सर पर उठाकर चल पड़ा। मोहन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। बाकी तीनों लकड़हारे बड़ी हैरानी से ये सब देख रहे थे कि तभी एक बूढ़ा लकड़हारा जो उनके साथ ही जंगल गया था और उनकी सारी बातों को सुन रहा था बोल पड़ा, अरे देख क्या रहे हो, यही है लाखों में एक असली नायाब हीरा बेटा, हो
तो ऐसा हो